हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं आपका दोस्त मनोज और आपको दिल से मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जीपीएस मास्टर मनोज। आज हम बोलेरो पिकअप में जीपीएस इंस्टॉल करेंगे विथ रिले, जिसमें आप मोबाइल से भी इंजन कटअप कर सकते हैं। आज हम ब्लैकबक का जीपीएस इंस्टॉल करेंगे जो कि ब्रोस्टा का जीपीएस है। प्लीज़ पूरा वीडियो के देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन प्लीज एक बार दबा दीजिए। हेलो गाइस, ये स्टेयरिंग बॉक्स है। स्टेयरिंग बॉक्स देखिए, हमको खोलना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका जो कपलर देता है वो यहाँ पर नीचे देता है। यहाँ पर ये जो कवर, ये लॉक है, बस थोड़ा सा उसको खींचने से ये निकल जाता है। देखिए, बस ऐसे ही खींचने से ये निकल जाता है। अभी यहाँ पर दो कपलर हैं, देखिए, एक ब्लू कलर का, एक वाइट और ग्रीन कलर का, एक वायर का कम्बिनेशन का है, और दूसरा एक रेड येलो कलर व्हाइट कलर का कम्बिनेशन है, और दूसरा देखिए व्हाइट कलर का मोटा वायर है। ये यहाँ पर दो कपलर हैं, इसमें हम चेक कर रहे हैं कौन से में डायरेक्ट करंट आ रहा है, कौन से में इग्निशन है। चलिए दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो रेड व्हाइट कलर का जो मोटा वायर है उसमें आप देखिए, हम कनेक्शन देख के चेक कर रहे हैं। अभी ये लाइट जल रहा है तो उसका मतलब ये डायरेक्ट करंट है, जो कि 12 वोल्ट का करंट आ रहा है। अभी इग्निशन का करंट चेक करेंगे। देखिए, सेम कपलर में जो येलो कलर और व्हाइट कलर का कम्बिनेशन का जो वायर है वो इग्निशन का है। देखिए, अभी लाइट जल रहा है, अभी चाबी को ऑफ करेंगे। अभी लाइट बंद हो गया, अभी ऑन करेंगे, बस जल रहा है। तो ये कंफर्म हो चुका है, ये इग्निशन का वायर है। ये जो मोटा व्हाइट वायर है वो मेन वायर है, जो कि 12 वोल्ट का करंट है। चलिए अभी इसमें जीपीएस इंस्टॉल करें। देखिए, ये जो दो कपलर था, इसमें जो ये कपलर में तो हमने बराबर चेक कर चुके हैं, ये इग्निशन का है और ये मेन का है। यहाँ पर जो कपलर है, हमको भी चेक करके आपको दिखा देंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, ये जो व्हाइट और ब्लू का करंट जो वायर है उसमें देखिए हाफ इग्निशन आ रहा है। देखिए, अभी इग्निशन चल रहा है, अभी डायरेक्ट इग्निशन नहीं आ रहा है, मतलब इसमें दो इग्निशन रहता है, एक हाफ रहता है, फुल रहता है। ये हाफ इग्निशन का है, इसमें आप कनेक्शन नहीं दीजिएगा। अब जो जिसमें फुल इग्निशन आता है, मतलब चाबी का दो स्टेप रहता है, दो स्टेप जिसमें जो लाइट बंद होगा उसी में ही इग्निशन आएगा। तो ये हाफ इग्निशन है तो इसमें हम नहीं दे रहे हैं, ये फुल इग्निशन है तो इसमें ही दे रहे हैं। देखिए, इसमें हमें ये जो चाबी का कनेक्शन था, इग्निशन का कनेक्शन, उसका कपलर हमने निकाल चुके हैं। इसमें वायर कनेक्शन, कोई भी वायर है उसको कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वायर कटिंग करने से थोड़ा क्लेम हो जाता है, अगर कुछ उसका वारंटी इशू कुछ रहता है, तो इसलिए हम वायर किसी भी प्रकार का वायर कटिंग नहीं कर रहे हैं। अब इसमें कपलर से ही हम उसको डायरेक्ट करने देंगे। अभी देखिए, इसमें रिले इंस्टॉल करेंगे। ये रिले है, ये 12 वोल्ट का रिले। देखिए, इसमें फोर वायर देता है, दो ग्रीन कलर का है, एक व्हाइट का है, एक येलो का है। अभी देखिए, ये जो जीपीएस का कनेक्टर है जिसमें हम कनेक्शन देख, इसमें फोर वायर देता है, एक ऑरेंज कलर का है, एक ब्लैक का है, रेड का है और एक येलो का है। ये कनेक्टर है, ये जीपीएस है। देखिए, बोस्ट्रा का जीपीएस है, ब्लैकबक का। इसमें एक एयरटेल का सिम डाला हुआ है, साइज में एक स्विच है। चलिए, हमें अभी जीपीएस को इंस्टॉल करेंगे, इसका वायर इंस्टॉल करेंगे, फिर इसको एक्टिव करके आपको दिखाएंगे। देखिए, ये जो रिले है, रिले का जो ग्रीन कलर का दो वायर है, अभी यहाँ पर हमने जो चेक किए थे इग्निशन का वायर, उसको हमने निकाल चुके हैं, और रिले का जो एक वायर है, जो क्लिप है, उसको हम इसके अंदर दे चुके हैं। और जो दूसरा वायर है, देखिए, हमने जो क्लिप से निकाला था, और जो रिले का जो दूसरा वायर है वही ग्रीन कलर का, उसके अच्छे से क्लिपिंग कर रहे हैं। तो ये बराबर रिले का कनेक्शन हो चुका है। जीपीएस का जो कनेक्टर है, उसका जो ब्लैक कलर का वायर है वो ग्राउंड का वायर है, मतलब अर्थिंग का वायर है। देखिए, गाड़ी में प्रॉपर अर्थिंग जहां पर भी आ रहा है उसी में ही दीजिए। हमने यहां पर अर्थिंग का कनेक्शन दे चुके हैं। अभी कनेक्टर का जो येलो कलर का वायर है, अभी देखिए, यहाँ पर रिले का जो येलो का वायर है, ये दोनों का अच्छे से हमने मिला के इसको टैग कर चुके हैं। देखिए, जो व्हाइट कलर का वायर है वो मेन का वायर था, इसमें हम देखिए एक छोटा सा वायर उसको लूपिंग कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जीपीएस का रेड कलर का वायर है उसके अंदर हम देंगे तो इसमें जगह नहीं है। देखिए, पूरा टाइट है तो उसके अंदर से नहीं जा रहा था, इसलिए हमने यहाँ से एक वायर लूपिंग किए हैं, उसी में ही कनेक्शन देंगे।
देखिए जो मेन करंट है, जो 12 वोल्ट का करंट है, उसी में रिले का जो व्हाइट वायर है और बाकी जीपीएस का कनेक्टर का जो रेड वायर है, ये तीनों को अच्छे से टैग करेंगे। देखिए अभी चारों कनेक्शन बराबर हो चुका है, जीपीएस, रिले और देखिए सबका कनेक्शन बराबर हो चुका है। अभी सिर्फ ऑरेंज कलर का वायर देखिए, जो कि इग्निशन का वायर है, हमने जो कपलर से देखिए इग्निशन का वायर निकाले थे, उसी में दोनों साइड में जिसी भी साइड में आप दे सकते हैं, वो इग्निशन का काम करेगा। अभी इग्निशन का हमने यहाँ पर दे चुके हैं, अभी कनेक्शन बराबर हो चुका है। चलिए अभी जीपीएस को एक्टिव करेंगे, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। देखिए वहाँ पर जो स्विच है, स्विच को ऑन कर देंगे। अभी ऑन हो चुका है, अभी इसको क्लिपिंग करेंगे। ये रेड कलर का जो ब्लिंक कर रहा है वो पावर का वायर है। अभी ये देखिए साइड में जो ग्रीन कलर का जो लिंक कर रहा है वो सैटेलाइट का है, बीच में येलो का है वो सिम का है। अभी इसको एक्टिव करते हैं, एक्टिव करने के बाद इसको अच्छे से इंस्टॉल करेंगे। अभी जो भी कनेक्शन था, अभी इसको बराबर हमने यहाँ से टैग कर चुके हैं। देखिए टाई देखिए, इसके अंदर से ब्लैक टैग देकर रख चुके हैं। जो जीपीएस है, जिस जीपीएस को भी हमने अंदर देखिए अंदर टैग कर रखा है। जीपीएस तरह का जो भी कनेक्शन था वो कनेक्शन बराबर हो चुका है। चलिए दोस्तों दूसरा वीडियो में देखिए। थैंक यू।